उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद 4 किसानों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी, तभी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आई हुई है। वहीं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनके आने की आशंका को लेकर यूपी हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह नाकेबंदी कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह वाहनों को रोक दिया गया है। जो हरियाणा की ओर से वाहन आ रहे हैं उनको, जो यूपी की साइड है उनको आने नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही जो सवारियाँ है वो पैदल चल रही है और जो अपने गंतव्य की ओर पैदल चलने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? नसीम है भाई जी। कहाँ जाना था आपको? पानीपत जाना था जी, मुजफ्फरनगर से आ रहा हूँ। क्या दिक्कत हो रही? पता नहीं, यहाँ पे जाम लगा पड़ा है। क्या बताया गया? ये बताया गया कि आगे कुछ जाम लगा हुआ है, उसकी वजह से ट्रैफिक रोक रखा है। ट्रक लगा के इन्होंने, पुलिस वालों ने एक साइड का रास्ता बंद कर रखा है। इस तरह की समस्या आ रही है? समस्या बहुत ज़्यादा है जी, जाना इमरजेंसी था मेरे को भी। आगे गाड़ी मेरी भी जानी है बुकिंग पे। कहाँ जाना था? मेरे को पानीपत जाना था, पानीपत से फिर मैंने जाना था अम्बाला जी, गाड़ी लेके अपनी। क्या नाम है आपका? मंगेराम है नाम। कहाँ से आए आप? जागरण बताया, चार डाल देते हैं। कितने आदमी है? 40 आदमी है। अच्छा, क्या हुआ जाम, किस वजह से लग रहा, पता लगा? बंद हो गया, किसानों की वजह से लग रहा जाम। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? पटेड़ गाँव। कितनी देर होगी जाम में फंसे हुए? सुबह 6:30 बजे के। क्या नाम है आपका? फिरोज। कहाँ से आया आप? पानीपत से। अच्छा, क्या हुआ, कहाँ जाम कैसे लग रहा, पता लगा? पता नहीं कैसे जाम लग रहा, कहाँ का जाम लग रहा। कितने आदमी है आप? बस मैं और मेरा बच्चा है। पैदल ही आए? कहाँ से आए आप? पैदल पहली तरफ से आए, फुलपुरा पार। जाना है कहराना? जाना है हमें, जाना है जलालाबाद। कोई पता नहीं लगा कारण क्या, कोई कारण पता नहीं चला। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश कैराना थाने की जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर बाकायदा लगाई गई है। केवल जो पैदल यात्री है वही जा सकते हैं। इसके अलावा जो यूपी बॉर्डर है उसको भी पूरी तरह गाड़ी अड़ाकर पुलिस प्रशासन की ओर से सील कर दिया है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियों के नेता थे उनके जो है लखीमपुर जाने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा पंजाब के जो राजनीतिक लोग हैं वे इसी बॉर्डर से गुजरने की आशंका को लेकर यूपी और हरियाणा का पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन अनस फारूकी के साथ आरिफ चौधरी, जनवानी न्यूज़, कैराना।